नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं समी। आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सीएम योगी के हाथों गोरखपुर को मिलेगी एक और सौगात। उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केंद्र भवन का रविवार को मुख्यमंत्री करेंगे शिलान्यास। गीता प्रेस जाकर राष्ट्रपति के आगमन से जुड़ी तैयारियों का भी लेंगे जायजा। स्वास्थ्य विभाग व जिला प्रशासन की संयुक्त टीम ने 25 अल्ट्रासाउंड व प्राइवेट हॉस्पिटलों पर मारा छापा। उप जिला सूचना व स्वास्थ्य शिक्षा एवं सूचना अधिकारी सुनीता पटेल ने कहा, छापे में बहुत से हॉस्पिटलों में पाई गई है अनियमितता। रिपोर्ट जिलाधिकारी को किया जा रहा है प्रेषित। जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा, रिपोर्ट के आधार पर हॉस्पिटलों के खिलाफ की जाएगी कड़ी कार्यवाही। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को गिफ्ट करेंगे टेराकोटा के श्रीराम और कबीर। ओडीओपी में शामिल टेराकोटा की ओर मजबूत होगी ब्रांडिंग। सीएम योगी की पहल पर तीसरी बार गोरखपुर आ रहे हैं राष्ट्रपति। 4 जून को गीता प्रेस और 5 जून को मगहर में है महामहिम राष्ट्रपति का कार्यक्रम। प्रदेश के डायल 112 और ट्रैफिक के एडीजी अशोक कुमार सिंह ने सड़क सुरक्षा के संबंध में जिले के अधिकारियों के साथ किया बैठक। सड़क सुरक्षा की जागरूकता के लिए जागरूकता अभियान चलाने के दिए निर्देश। टप्पेबाजी व धोखाधड़ी करने वाले 6 अभियुक्तों को कैंपियरगंज पुलिस ने 24 घंटे के अंदर किया गिरफ्तार। लूट का 5,77,200 रुपए, 241 नकली सोने का सिक्का, घटना में प्रयुक्त 3 मोटरसाइकिल किया बरामद। एसएसपी ने किया खुलासा। विद्युत विभाग के कलेक्शन एजेंसी के अधिकारियों के साथ जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने की बैठक। शत प्रतिशत बिलिंग करने के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। जिले के डायल 112 के कंट्रोल रूम व आईटीएमएस कंट्रोल रूम का प्रदेश के डायल 112 व ट्रैफिक के एडीजी अशोक कुमार सिंह ने किया निरीक्षण। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए ट्रैफिक विभाग को दिए निर्देश। परफॉर्मेंस ग्रांट के कार्यों की जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने की समीक्षा बैठक। कार्यों को शीघ्र पूरा करने के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। कोतवाली थाने पर सीओ विमल कुमार सिंह की अध्यक्षता में संपूर्ण थाना समाधान दिवस का किया गया आयोजन। कहा, अधिकतर मामले मकान के बंटवारे, पैसों के लेन देन से आए संबंधित मामलों के निस्तारण के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। कैंट पुलिस ने एक शातिर अभियुक्त को किया गिरफ्तार। पास से एक देसी तमंचा, एक जिंदा कारतूस किया बरामद, भेजा जेल। पशुपालन विभाग के अधिकारियों के साथ सीडीओ इंद्रजीत सिंह ने की समीक्षा बैठक। पशुओं के लिए बन रहे गौशाला कार्यों को बरसात से पहले पूरा करने के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। और 31 मई को विश्व तंबाकू दिवस पर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की डायरेक्टर सुरेखा किशोर ने लोगों से धूम्रपान नहीं करने की अपील। कहा, तंबाकू के सेवन से मुंह के कैंसर जैसी बीमारियों के होने का रहता है खतरा। अब खबरें विस्तार से। नॉलेज सिटी बन रहे गोरखपुर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी सौगात मिलने जा रही है। सीएम योगी रविवार को रामगढ़ताल क्षेत्र स्थित जीडीए के कारपोरेट पार्क में उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय कार्यालय भवन का शिलान्यास करेंगे। मुक्त विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केंद्र का अपना भवन होने से पूर्वी उत्तर प्रदेश के हजारों विद्यार्थियों को काफी सहूलियत मिलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार दोपहर बाद गोरखपुर पहुंचेंगे। करीब 4 बजे वह रामगढ़ताल परियोजना क्षेत्र में उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के लिए गोरखपुर क्षेत्रीय केंद्र के भवन की आधारशिला रखेंगे। अभी यह केंद्र एक किराए के भवन में संचालित होता है।
मुक्त विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केंद्र भवन का शिलान्यास करने के बाद सीएम योगी राज बाबा गंभीर नाथ प्रेक्षागृह में सभा को भी संबोधित करेंगे। गोरखपुर आगमन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार शाम गीता प्रेस जाएंगे। 4 जून को गीता प्रेस के शताब्दी वर्ष शुभारंभ समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आ रहे हैं। इस संदर्भ में सीएम योगी गीता प्रेस में हो रही तैयारियों का जायजा लेंगे। इसी निमित्त वह अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। गीता प्रेस का निरीक्षण कर मुख्यमंत्री योगी गोरखनाथ मंदिर जाएंगे। यहां विकास कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक कर सकते हैं। रात्रि विश्राम के बाद सीएम योगी सोमवार की सुबह जनता दर्शन में लोगों की फरियाद सुनने के बाद संत कबीर की साधना स्थली मगहर जा सकते हैं। 5 जून को मगहर में राष्ट्रपति का आगमन प्रस्तावित है। जनपद की स्वास्थ्य विभाग व प्रशासन की टीम ने प्राइवेट हॉस्पिटलों पर छापा मारा, जिसके संबंध में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया कि प्राइवेट 21 हॉस्पिटलों का गोपनीय जांच करवाया गया था, जिसकी सूची मिली थी, जिसमें जो अधिनियम है कि प्राइवेट अस्पतालों में डॉक्टर की तैनाती व अन्य सुविधाएं होनी चाहिए वह नहीं है, जिसको देखते हुए मजिस्ट्रेट व डॉक्टर की संयुक्त टीम ने 25 अस्पतालों का जांच किया है। जांच में कहीं भी कोई कमी पाई जाती है तो मुकदमा दर्ज करवा कर न्यायालय में पैरवी करवा कर हॉस्पिटल को सील किया जाएगा। वही इस संबंध में उप जिला स्वास्थ्य शिक्षा एवं सूचना अधिकारी सुनीता पटेल ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देश पर नायब तहसीलदार अपर सीएमओ की संयुक्त टीम के साथ 5 हॉस्पिटल पर छापा डाला गया है, जिसमें कुछ कमियां पाई हैं, जिनमें कुछ हॉस्पिटल को सील किया गया है। उन्होंने कहा सबसे पहले टीम नवजीवन हॉस्पिटल पहुंची है, जिसमें कुछ कमी पाई गई है, जिसको देखते हुए तत्काल नवजीवन हॉस्पिटल को सील किया गया है, जिसमें न मेडिकल स्टोर न कोई प्रमाण पत्र था। उसके बाद टीम बचपन क्लिनिक पर पहुंची, जहां पर डॉक्टर मौजूद थे लेकिन वहां उनके पास कोई स्टाफ नहीं था, जिस पर तत्काल बचपन क्लिनिक को सील किया गया। इस तरह एक हॉस्पिटल में मेडिकल स्टोर का प्रमाण पत्र नहीं था, उसको भी सील किया गया। उन्होंने बताया कि टीम वैष्णवी हॉस्पिटल पहुंची, जो कि बंद थी, लेकिन जांच में हॉस्पिटल चालू था और वहां पर कई मरीज भर्ती थे, जिसको देखते हुए वहां के मरीजों को CSC एम्बुलेंस के माध्यम से भिजवाया गया। उस हॉस्पिटल को भी सील किया गया है। नेशनल क्लिनिक पर भी छापा डाला गया, जिसमें कमियां पाई गई। उप जिला स्वास्थ्य शिक्षा एवं सूचना अधिकारी ने बताया कि दिन भर का निरीक्षण आख्या जिलाधिकारी को प्रेषित किया जाएगा, जिसके आधार पर जिलाधिकारी के निर्देश पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उप जिला सूचना व स्वास्थ्य शिक्षा एवं सूचना अधिकारी सुनीता पटेल और जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा Thank you.
जाएगा बता दो जनमानस के साथ आप लोग खिलवाड़ कर रही है। ये ऑपरेशन कौन किया है पथरी वाला? हाँ बुलाओ रामदेव को ट्रेनिंग पे आए भेजो उसको। जितना चलना है उतना चलेगा, जितना जो इसको बीएसटी में लिखा होगा। अल्ट्रासाउंड मशीन भी यहाँ देखिए डॉक्टर साहब है। क्या क्या नाम है इसका? अगर इसका भी हालत मैडम, इसका भी हालत अगर कुछ तो भी माना जाता है, ये भी उस लायक नहीं। हेलो हेलो ऐसा है। हेलो भाई ये मतलब है सब कुछ तो मरीज का आप निर्भर कर दीजिएगा, या तो सेटल है कोई बात ही नहीं है, सेटल लग रहा है सब, कुछ तरह का मरीज नहीं है, ये सब रखे हुए हैं सब। भाई अल्ट्रासाउंड वैसे भी है ना, खास करके अल्ट्रासाउंड भी होता है क्या? इसका फोटो लीजिए, ले लिया, वीडियो बना लीजिए इसको जो है। बुखार पड़ी तीन से ज्यादा, उल्टी बुखार उतना दवाई से मत रहना है। हां हां करवा ले रही, एक्सरे करा, एक्सरे करा के बम लिख कर जांच करा, जब खूनवा निकला है ना जूता लेकर चेक करा। अच्छा जूता में लिख चल गई है माला के माटी का ना। कितना पैसा खर्च हुआ है? कितना पैसा खर्च हुआ है? अभी नहीं, 2 रुपया नहीं दिया है, अभी नहीं दिए हैं। अच्छा अच्छा आपके बिटिया का कितना पैसा खर्च हुआ है? इनका ऑपरेशन हुआ है लग रहा है, एक किस चीज का ऑपरेशन? पथरी का। कितना पैसा खर्च हुआ है बताइए, कोई दिक्कत नहीं है? कितना 18,000 दी है, और अभी डिमांड भी होगा कुछ? हाँ बाद में छूटने के बाद कितना देखिए, कितना बताते हैं अभी बताए नहीं। अभी ऑपरेशन किया है तो 18,000 जमा करवाए हैं। कहाँ की इनका पूरा पता नोट कर लीजिए। अंदर बच्ची जली हुई, उसको भी सब पैक किए हुए हैं। क्या जली हुई? अच्छा इनका ऑपरेशन का कितना खर्चा आया है? अरे ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, यहाँ ट्रस्ट नहीं चला रहे हैं, कुछ तो जमा आप लोग किए होंगे तब जाके बोले हैं लो जाइए, हम मतलब आप टाका काट के छुट्टी करते हैं यहाँ पर। कितना पैसा लेंगे तुम? भाई 10,000 लिए हैं, और अभी छुट्टी करेंगे तो पूरा अपना खर्चा बता के आज DM सर के निर्देश के क्रम में मैं डिप्टी DHIO और नायब तहसीलदार सर और अपर CMO सर तीनों लोग संयुक्त रूप से निरीक्षण किए हैं। 5 हॉस्पिटल चिन्हित मिले थे जिसपे हम लोगों को निरीक्षण किया जाना था, और निरीक्षण के दौरान जो कमियां पाई गई हैं उसके आधार पे कुछ हॉस्पिटल को सील किया गया है। नवजीवन हॉस्पिटल में हम लोग सबसे पहले गए हैं, वहाँ पर काफ़ी कमियाँ थी, इस वजह से वहाँ उस हॉस्पिटल को सील किया गया है। मेडिकल स्टोर भी था, और हॉस्पिटल का ना कोई वैध प्रमाण पत्र था, ना मेडिकल स्टोर का कोई वैध प्रमाण पत्र था, इस वजह से उसको सील किया गया है। उसके बाद बचपन चाइल्ड क्लिनिक करके था, वहाँ पे हम लोग गए हैं, मौके पे डॉक्टर तो थे लेकिन बाकी उनके पास कोई वैध प्रमाण पत्र नहीं था, इस वजह से वहाँ भी सील करना पड़ा है। एक हॉस्पिटल और हम लोग निरीक्षण किए हैं, वहाँ पे मेडिकल स्टोर का कोई प्रमाण पत्र नहीं था, डॉक्टर मौके पे थे तो मेडिकल स्टोर सील किया गया है, और पेशेंट भी एडमिट मिले थे। उसके बाद वैष्णवी हॉस्पिटल पे हम लोग आए हैं, वैष्णवी हॉस्पिटल पे देखने को ये मिला है कि बाहर से ताला लगा हुआ था, और वहाँ पे एक स्टाफ नर्स थी बैठी हुई थी तो बता रही थी ये हॉस्पिटल काफ़ी दिन से बंद था, जबकि वहाँ पे हम लोगों को संशय लगा है तो काफ़ी मशक्कत करने के बाद वहाँ पे ताला खुलवाया गया है। उसके बाद वहाँ पे अंदर कई पेशेंट जो सीरियस भर्ती थे
एक बच्चेदानी ट्यूमर का ऑपरेशन हुआ था, एक बुखार पीड़ित पेशेंट था और एक जली हुई एक बच्ची थी उसको एडमिट किया गया था, एक और पेशेंट भर्ती था। सबको हम लोगों ने फिर CSC एम्बुलेंस बुलवा के, तीन एम्बुलेंस बुलवाए हैं और उसके बाद उनको CSC ट्रांसफ़र किए हैं। उसके बाद उस हॉस्पिटल को भी सील करके हम लोग आए हैं। कार्रवाई भी किया गया है डॉक्टर के साथ? अब सर अब अभी निरीक्षण आख्या हम लोग तैयार कर रहे हैं, निरीक्षण आख्या DM सर को प्रेषित की जाएगी, DM सर का जैसा वो रहेगा उसके बाद कार्रवाई होगी। जैसे हमारे गोपनीय जांच में ऐसे करीब 21 अस्पतालों का हमें सूची मिली थी, जिसमें जो अधिनियम है PCPNDT के अंतर्गत जो अस्पतालों में अवस्थापनाएं होनी चाहिए, डॉक्टर्स की तैनाती होनी चाहिए, वो उसके अनुसार नहीं था, नियम के अनुसार नहीं था। तो आज मजिस्ट्रेट्स और डॉक्टर्स द्वारा संयुक्त रूप से इनकी जगह पे सत्यापन किया गया है। जहाँ भी कोई भी उल्लंघन मिलेगा, नियमानुसार मिलेगा, तो उसको गंभीर मानते हुए उसमें प्रवर्तन की कार्रवाई की जाएगी और उसमें कंप्लेंट फाइल करवा के माननीय न्यायालय से उसमें पैरवी करते हुए उसमें सुनिश्चित किया जाएगा कि उनको सील किया जाए। मुख्यमंत्री योगी की महत्वाकांक्षी एक जिला एक उत्पाद ODOP योजना में शामिल गोरखपुर की एक खास पहचान टेराकोटा की ब्रांडिंग राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के आगमन पर और मजबूत होगी। राष्ट्रपति 4-5 जून को गोरखपुर और मगहर आ रहे हैं। मगहर में आयोजित कार्यक्रम में उन्हें उद्यमियों की तरफ से टेराकोटा शिल्प से बनी प्रभु श्री राम, भगवान गणेश और महान समाज सुधारक संत कबीर की मूर्ति गिफ्ट की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर तीसरी बार गोरखपुर आ रहे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 4 जून को गोरखपुर में धार्मिक पुस्तकों के प्रकाशन की विश्व स्तरीय ख्याति प्रतिष्ठित संस्था गीता प्रेस के शताब्दी वर्ष समारोह का शुभारंभ करेंगे। इसी दिन वह गोरखनाथ मंदिर पहुंचकर शिव अवतारी बाबा गोरखनाथ का दर्शन पूजन भी करेंगे। 5 जून को वह संत कबीर की साधना स्थली मगहर जाएंगे और वहां आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। मगहर गीडा के समीप है। संत कबीर की साधना स्थली पर आयोजित कार्यक्रम में गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण गीडा के कुछ उद्यमी भी राष्ट्रपति से मिलेंगे और उन्हें टेराकोटा शिल्प से बनी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, भगवान गणेश और संत कबीर की मूर्तियां भेंट करेंगे। उल्लेखनीय है कि टेराकोटा माटी शिल्प गोरखपुर की खास पहचानों में से एक है। CM योगी द्वारा इसे एक जिला एक उत्पाद योजना में शामिल करने के बाद इसकी ख्याति वैश्विक फलक तक पहुंची है। रामनाथ कोविंद ऐसे पहले राष्ट्रपति हैं जो तीसरी बार गोरखपुर आ रहे हैं। इसका श्रेय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जाता है। श्री कोविंद बतौर राष्ट्रपति सबसे पहले 10 दिसंबर 2018 को गोरखपुर आए थे। तब वह महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक समारोह में बतौर मुख्य अतिथि सम्मिलित हुए थे। गोरखनाथ मंदिर जाकर गुरु गोरखनाथ की आराधना की थी। इसके बाद उनका गोरखपुर आगमन 28 अगस्त 2021 को हुआ था। तब उन्होंने महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का शिलान्यास और महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय का लोकार्पण किया था। प्रदेश के डायल 112 व ट्रैफिक के ADG अशोक कुमार सिंह ने सड़क सुरक्षा के संबंध में जिले के अधिकारियों के साथ पुलिस लाइन के सभागार में बैठक की, जिसके संबंध में प्रदेश के डायल 112 व ट्रैफिक के ADG अशोक कुमार सिंह ने बताया कि सड़क सुरक्षा के संबंध में जिले के अधिकारियों के साथ बैठक की गई है। शासन का निर्देश है कि सड़क सुरक्षा के नियमों का कड़ाई से पालन करवाना है, जिससे कि सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वालों की संख्या पर रोक लगाई जा सके। उन्होंने कहा, सड़क सुरक्षा से जागरूकता अभियान चलाने का प्रयास है कि सड़क दुर्घटना में कमी लाई जाए और एक अभियान चलाकर कार्यवाही करना है। इसमें सभी विभागों के लोगों को एक साथ आना होगा। सभी विद्यालयों को जागरूकता अभियान चलाने की आवश्यकता है, जिससे सड़क दुर्घटना में कमी लाई जा सके। इस अवसर पर DIG जे रविंद्र गौड़, SSP डॉक्टर विपिन ताडा, SP ट्रैफिक डॉक्टर MP सिंह, ADM श्री विनीत कुमार सिंह, SDM सदर कुलदीप मीणा, RTO अनीता सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए डायल 112 व ट्रैफिक के ADG अशोक कुमार सिंह ने कहा,
निरीक्षण को तैयार है। राज संत नहीं खड़ा रहेगा, बाकर किसान जन मैं विजय कुमार सिंह प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई स्कूल गोपालपुर बोला हूँ। तबियत दिया है डॉक्टर मना कर रहे होता। जय हिंद सर। जय प्रकाश सिंह सीओ सर। जय हिंद सर। ट्रैफिक इंस्पेक्टर महोदय बना सर। मंत्री जी जो डीसी हुई थी उसमें सारे नगर पालिका नगर पंचायत डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट लेवल के सब जुड़े हैं। इसके अतिरिक्त जो विभाग हैं शिक्षा विभाग सारे ऑल थ्री लेवल्स ऑफ शिक्षा विभाग की एक समीक्षा बैठक हो चुकी है दो तीन दिन पहले। एसीएस खुद साहब ने भी अपनी बात कर बहुत सारे इशूज़ हैं जो रिजॉल्व नहीं हो रहे हैं। बहुत सारे इशूज़ हैं जो ग्राउंड पे आप सब मिलकर कर सकते हैं। मैं चाहूँगा कि प्रेजेंटेशन देखें उसके बाद जो बिंदु आपके अपने हैं वो और जो जनरल मिल करके करने का है वो करें ताकि जो एक्सीडेंट से डेथ हो रही है उसको कम किया जाए। जो एक्सीडेंट से इंजुरीज हो रही हैं डेथ से कई गुना ज़्यादा हो रही है उसको कम करना है और इसमें सबका योगदान होना है राइट फ्रॉम एजुकेशन डिपार्टमेंट राइट फ्रॉम होम जहाँ पे हम अपने बच्चों को शिक्षित करते हैं एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में हम ट्रेनिंग दे सकते हैं। PWD या अन्य जो कंस्ट्रक्शन एजेंसीज हैं जो रोड मेंटेनेंस करते हैं तो रोड इंजीनियरिंग से रिलेटेड सबसे इम्पोर्टेंट संस्थाएँ बनाती हैं रोड लाइटिंग्स की सर खास करके शहरों में नगर निगम है डेवलपमेंट अथॉरिटी सबके रोल हैं। एंड फाइनली इन्फोर्समेंट जब आता है तो दो डिवोर्स करना है फॉलो दी रोड सेफ्टी रूल्स ये सब समन्वित रूप से किया जाएगा तो निश्चित तौर पे जो मकसद है जो माननीय के सभी समस्त अधिकारियों और पत्रकारों को प्रेजेंटेशन तैयार किया है सर। हम लोग जो यहाँ पे वर्क किए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी और ACS का डाटा लिए गए हैं सर जनपद के धार्मिक स्थलों से अथवा उनकी आवाज कम करा दी गई है और धार्मिक संवाद तक भी चल रहा है ताकि सड़क पर किसी प्रकार का कोई आयोजन ना हो और ऐसा कोई आयोजन अभी तक होना विकास में नहीं आया। सभी रोड सेफ्टी से संबंधित जो विभाग हैं उनके साथ बैठक की गई और उन सबको जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने VC में निर्देशित किया था सभी को समन्वित रूप से रोड सेफ्टी मेजर्स का पालन करवाना है और इसके लिए जो भी अपेक्षित है वो कार्रवाई करनी है ताकि जो प्रतिदिन और प्रतिवर्ष रोड एक्सीडेंट और रोड एक्सीडेंट्स के कारण जो मृत्यु होती हैं उनको पूरी तरह से कम किया जा सके। कि मैंने बताया कि ये माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश से जो अभियान चलाया जा रहा है रोड सेफ्टी मेजर्स का और जिसका मेन मकसद है जो एक्सीडेंट्स में डेथ हुई हो रही हैं उसको कम करने का और उसके लिए सभी विभागों द्वारा एक अभियान के तौर पे कार्रवाई करना है तो इसमें कोई फॉल्ट फाइंडिंग का नहीं था। इसमें सभी विभाग को एक साथ मिलकर के जो भी जैसे इंजीनियरिंग विभाग के लोग थे रोड इंजीनियरिंग में जो अपेक्षित सुधार करना है जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के लोगों को काम करना है एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोग जो अवेयरनेस फैलाने में जो लोगों की मदद करेंगे चाहे स्टूडेंट हों टीचर्स प्रिंसिपल्स पेरेंट्स इन सब को अपने अपने जो काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो निर्देशित किया गया है निर्देश किया था उसके क्रम में एक रिव्यू के तौर पे आज ये मीटिंग की गई और यहाँ काफ़ी अच्छा काम लोगों ने किया है और आगे भी आज जो डिस्कशन हुआ इसके उपरांत सभी ने ये श्योर किया है कि आगे भी माननीय मुख्यमंत्री जी की अपेक्षा के अनुसार काम करेंगे और रोड सेफ्टी मेजर्स लेते हुए सड़क सुरक्षा के लिए जो भी अपेक्षित है वो कार्रवाई की जाएगी ताकि रोड एक्सीडेंट्स और रोड डेथ्स को पूरी तरह कम किया जा सके। कैंपियरगंज व स्वाट टीम की संयुक्त टीम ने टप्पेबाजी व धोखाधड़ी करने वाले 6 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है जिसके संबंध में SSP डॉक्टर विपिन ताड़ा ने पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर 6 व्यक्तियों को ग्राम राजपुर US एकेडमी के पास से गिरफ्तार किया गया है जिनकी पहचान रामायण सिंह कुशवाहा पुत्र स्वर्गीय प्रभुनाथ सिंह निवासी पकहा टोला नौगावा थाना बघौजगाड़ जनपद देवरिया
दूसरा लाल बिहारी यादव उर्फ सरदार पुत्र बांसदेव निवासी लक्ष्मी नगर थाना सुनौली जनपद महाराजगंज, तीसरा राकेश चौधरी पुत्र स्वर्गीय सीताराम चौधरी निवासी ग्राम सहसराव थाना बखिरा जनपद संत कबीर नगर, चौथा शाहबुद्दीन पुत्र असगर अली निवासी सोनौली वार्ड नंबर 11 वाल्मीकि नगर थाना सोनौली जनपद महाराजगंज, पांचवा इखलाक पुत्र मोहम्मद जवाहिर निवासी दुर्गजोत थाना बखिरा जनपद संत कबीर नगर, छठवां खुर्शीद पुत्र स्वर्गीय अब्दुल वहीद निवासी जंगल बिहुली बैलोहा थाना पीपीगंज जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है, जिनके पास से 577,200 रुपये नगद, 241 नकली सोने का सिक्का, घटना में प्रयुक्त 3 मोटरसाइकिल बरामद किया गया। एसएसपी ने बताया कि कैंपियरगंज क्षेत्र थाने में मरचाही कुटी पर दिनांक 26 मई को अभियुक्तगढ़ द्वारा धोखाधड़ी व ठगी करके आवेदक से 8,00,000 रुपये ले लिया गया, जिसके संबंध में आवेदक द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर थाना कैंपियरगंज में मुकदमा पंजीकृत करके तत्काल कार्यवाही करते हुए 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की जा रही है। ज्ञात हो कि पीड़ित से एक व्यक्ति रामायण सिंह 3 महीने पूर्व साधु के वेश में छत्तीसगढ़ में मिला था तथा सस्ता सोना दिलाने की बात कहते हुए अपने साथी लाल बिहारी यादव उर्फ सरदार से 2 सोने के सिक्के लिए थे। आवेदक ने छत्तीसगढ़ में ही एक सोनार से जब चेक करवाया तो वह सोने के सिक्के असली निकले। लालचवश पीड़ित द्वारा पुनः सस्ता सोना खरीदने को लेकर अपने साथियों समेत थाना कैंपियरगंज क्षेत्र में आया, जहां पर धोखाधड़ी एवं ठगी करके अभियुक्तगढ़ उपरोक्त ने आवेदक से 8,00,000 रुपये ले लिया, जिसको देखते हुए अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली टीम में कैंपियरगंज थाना प्रभारी रंजीत सिंह, स्वाट टीम प्रभारी प्रदीप शर्मा, वरिष्ठ उपनिरीक्षक राकेश कुमार सिंह, उपनिरीक्षक राम सिंह, प्रभात सिंह, हेड कांस्टेबल अरुण खरवार, कांस्टेबल दुर्गेश कुमार मिश्रा, कांस्टेबल रवि चौधरी, मुकेश यादव, हरिनाथ, विकास वर्मा, मनीष मौर्य, उत्कर्ष यादव, आशुतोष सिंह, इंद्रजीत यादव, अभय प्रताप सिंह शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा ने कहा, मेरी तरफ से 25 तो डीआईजी साहब ने बढ़ा दिया, 50 कर दिया। तो जब बड़े जो प्रिंस सर जो सामने देखिए सब वाले थाना कैंपियरगंज क्षेत्र में परसों एक घटना घटित हुई, जिसमें कि छत्तीसगढ़ से आए एक व्यक्ति के साथ धोखाधड़ी करके उससे 8,00,000 रुपये ले लिए गए। इसमें उस व्यक्ति द्वारा 2 व्यक्तियों और अन्य 4 अभियुक्तों के खिलाफ एक नामजद तहरीर दी गई, जिस पर मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमा दर्ज करके पुलिस तत्काल एक्शन में आई और इसमें पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए लगभग 6,00,000 रुपये बरामद किए हैं और करीब 250 के करीब नकली सोने के सिक्के बरामद किए हैं और 3 बाइक बरामद की है जो कि घटना में प्रयुक्त की गई थी। इसमें जब अभियुक्तों से पूछताछ की गई तो जानकारी में आया कि
कि पीड़ित से एक व्यक्ति साधु के वेश में छत्तीसगढ़ के दुर्ग ज़िले में मिला। ये करीब 3 महीना पहले की घटना है और उससे मिलने के बाद उसे सस्ता सोना दिलाने के नाम पर झांसा दिया और सस्ता सोना दिलाने के बहाने वो यहाँ पर बुलाया गया और जो अभियुक्त है उसने अपने अन्य साथियों से उसकी मुलाकात करवाई। पहले उसे करीब 2 महीना पहले 2 सोने के सिक्के दिए गए 5-5 ग्राम के, जिसे कि उसने जाकर छत्तीसगढ़ में चेक करवाया और चेक करवाने पे वो सोना सही पाया गया। इसी में लालचवश वो व्यक्ति दोबारा परसों यहाँ पर आया 8 लाख रुपए लेकर और सोना खरीदने के लिए, और इस पर वहाँ पर जो अभियुक्तगण हैं उन्होंने और उनके साथ 2 अभियुक्तों ने नकली पुलिस बनकर इससे वो पैसे ले लिए और इसको धोखा देकर वो वहाँ से चले गए। जब ये व्यक्ति थाने पर पहुँचा, पुलिस ने तत्काल मामले को गंभीरता से लेते हुए मुकदमा दर्ज किया और तत्काल ही हमारी थाना कैंपियरगंज और स्वाट टीम एक्टिव हुई और सर्विलेंस की मदद से हमने 6 अभियुक्तों को 48 घंटे में पकड़ के लगभग 6 लाख रुपए बरामद किए हैं और 6 के 6 अभियुक्तगण गिरफ्तार हुए हैं। इसमें यह पूरा मामला सस्ता सोना खरीदने के चक्कर में हुआ है। इनको बताया गया कि नेपाल से तस्करी का जो सस्ता सोना आता है वो इनको दिया जाएगा और इसी के चलते ये ठगी का शिकार हुए हैं, लालच के चलते। अभी तक की पूछताछ में यह एक ही घटना सामने आई है। हालांकि यह गिरोह पूर्व में मुंबई की तरफ भी एक्टिव रहा है, जहां से जानकारी की जा रही है कि इन्होंने और कोई घटना की हो। तो इसमें एक घटना इनके द्वारा बताई गई है जो मुंबई में कारित हुई थी और उसमें लगभग 40 लाख रुपए इसी व्यक्ति से लिया गया था। उसकी पुष्टि हम मुंबई द्वारा किए जा रहे हैं क्योंकि यह व्यक्ति छत्तीसगढ़ का है और ये अभियुक्तगण ऐसी घटनाएं अन्य प्रदेश में लोगों को ले जाकर करते हैं, जिसके चलते वहाँ से जो वादी है वो अपनी शिकायत करता नहीं है, डर के मारे वापस चला जाता है और वहाँ ये नकली पुलिस का भी प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार की घटना इन्होंने गोरखपुर में भी की, जहाँ पर इन्होंने 2 अभियुक्तगणों को नकली पुलिस बनाकर इसके पास भेजा और इसे डरा धमकाकर वापस जाने के लिए बताया गया, परंतु ये व्यक्ति थाने पे आया और पुलिस को जैसे ही जानकारी हुई पूरे प्रकरण का अनावरण करते हुए हमने ये खुलासा किया है। पूर्व की जो मुंबई में घटना हुई है उस बारे में जानकारी की जा रही है और यदि वो घटना सत्य पाई जाएगी तो उसमें भी आगे कार्यवाही की जाएगी। जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने विद्युत विभाग के कलेक्शन एजेंसी के अधिकारियों के साथ कलेक्ट्रेट ऑफिस में बैठक की, जिसके संबंध में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया कि विद्युत विभाग के कलेक्शन एजेंसी की समीक्षा की गई है, जिसमें 300 से ज्यादा मीटर रीडर तैनात हैं। उनको सख्त निर्देश दिया गया है कि कहीं पर भी पारदर्शिता की कमी ना हो, शत प्रतिशत आवासों की बिलिंग हो। बैठक में कार्यों में लापरवाही पाई गई है, जिसको देखते हुए शत प्रतिशत बिलिंग करने के लिए निर्देश दिया गया। अगर आवश्यकता हो तो मैन पावर बढ़ाएं। प्रयास है कि सभी लोगों का सुगमता पूर्वक सभी लोगों का बिजली बिल जमा हो। अगर कोई शिकायत आती है तो विद्युत विभाग के कंट्रोल रूम व जिला प्रशासन से शिकायत कर सकते हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा, शहर में 82% लोगों को घर तक पहुंचता है, इस तरह हम लोग पहुँचाते हैं और उसके बीच में हम लोगों का कलेक्शन मतलब चेकिंग का भी देखता है, 4 सुपरवाइजर है और हम लोग को किसी को एजीएम कंपनी को मैंने व्हाट्सएप किया, बोला उनको देने के वो लोग उसके सिग्नेचर भी आते हैं कंज्यूमर से, उनको बिल दिया तो आप वहाँ पर सिग्नेचर कलेक्शन का काम नहीं हो पा रहा था क्योंकि उसके मीटर रीडर जो है तो वॉलेट उसको रिचार्ज करा, हम रिचार्ज नहीं करा पाए, मतलब हम कलेक्शन नहीं करा। इसका समस्या कैसे हल करोगे? अपर विलिंग से सर बात करेंगे। अभी नहीं है सर, काउंटर हैं हमारे यहाँ पे, CSC है हमारा, लगभग 40% पैसा CSC से आता है सर, जो जितना टर्न अपे लगभग 40% CSC वाले की बात से आता है। और बाकी बाकी जो काउंटर है ऑनलाइन कितना आता है सर? ऑनलाइन नहीं, पेमेंट गेटवे, पेमेंट गेटवे से सर जो लगभग जो इंडस्ट्री वगैरह है वही आता है।
या बहुत जो पढ़े लिखे लोग हैं जिसे जो बाहर जो चले जा रहे हैं वो आता है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता। मैं 40% सीएससी के मैं उसका भी 10 एक रिपोर्ट डाउनलोड करके मैं आपको 10 मिनट की बाहर निकालू 10 मिनट में बता दूँगा। इनका डूबना है वो इनके डूबने के साथ हम डूब रहे हैं, जिले की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा खराब होती चली जा रही है सर। जो विद्युत विभाग के अनुबंधित बिलिंग और कलेक्शन एजेंसी की समीक्षा आज ली गई थी, करीब 600 से ज़्यादा कर्मचारी उनके बिल मीटर रीडर तैनात हैं। उनको सख्त निर्देश दिए गए हैं कि कहीं पे भी पारदर्शिता की कमी या कार्यकुशलता में कोई गैप नहीं रहना चाहिए। 100% आवासों तक बिलिंग पहुँच जाएँ, कलेक्शन में एफिशेंसी हो, अभी उनकी प्रगति खेदजनक है, इसके लिए उनको वार्निंग दिया गया है और सभी सुपरवाइजर्स के साथ बैठक करते हुए उनको सख्त निर्देश दिया गया है कि अपने मैन पावर बढ़ाएँ और वहाँ पे कार्य दक्षता और कुशलता बढ़ाएँ और सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी उपभोक्ताओं को सुगमता पूर्वक अपने विद्युत के बिल्स जमा कराने के लिए व्यवस्था हो। और अगर कोई शिकायत आती है तो विद्युत विभाग के कंट्रोल रूम अथवा जिला प्रशासन के कंट्रोल रूम में उपभोक्तागण फ़ोन कर सकते हैं। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक में जाने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सीएम योगी के हाथों गोरखपुर को मिलेगी एक और सौगात। उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के क्षेत्र केंद्र भवन का रविवार को मुख्यमंत्री करेंगे शिलान्यास। गीता प्रेस जाकर राष्ट्रपति के आगमन से जुड़ी तैयारियों का भी लेंगे जायजा। स्वास्थ्य विभाग व जिला प्रशासन की संयुक्त टीम ने 25 अल्ट्रासाउंड व प्राइवेट हॉस्पिटलों पर मारा छापा। उप जिला सूचना व स्वास्थ्य शिक्षा एवं सूचना अधिकारी सुनीता पटेल ने कहा, छापे में बहुत से हॉस्पिटलों में पाई गई है अनियमितता, रिपोर्ट जिलाधिकारी को किया जा रहा है प्रेषित। जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा, रिपोर्ट के आधार पर हॉस्पिटलों के खिलाफ की जाएगी कड़ी कार्यवाही। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को गिफ्ट करेंगे टेराकोटा के श्रीराम और कबीर। ओडीओपी में शामिल टेराकोटा की ओर मजबूत होगी ब्रांडिंग। सीएम योगी की पहल पर तीसरी बार गोरखपुर आ रहे हैं राष्ट्रपति। 4 जून को गीता प्रेस और 5 जून को मगहर में है महामहिम राष्ट्रपति का कार्यक्रम। प्रदेश के डायल 112 व ट्रैफिक के एडीजी अशोक कुमार सिंह ने सड़क सुरक्षा के संबंध में जिले के अधिकारियों के साथ किया बैठक। सड़क सुरक्षा की जागरूकता के लिए जागरूकता अभियान चलाने के दिए निर्देश। टप्पेबाजी व धोखाधड़ी करने वाले 6 अभियुक्तों को कैंपियरगंज पुलिस ने 24 घंटे के अंदर किया गिरफ्तार। लूट का 5,77,200 रुपए, 241 नकली सोने का सिक्का, घटना में प्रयुक्त 3 मोटरसाइकिल किया बरामद। एसएसपी ने किया खुलासा। विद्युत विभाग के कलेक्शन एजेंसी के अधिकारियों के साथ जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने की बैठक। 100% बिलिंग करने के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। जिले के डायल 112 के कंट्रोल रूम व आईटीएमएस कंट्रोल रूम का प्रदेश के डायल 112 व ट्रैफिक के एडीजी अशोक कुमार सिंह ने किया निरीक्षण। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए ट्रैफिक विभाग को दिए निर्देश। परफॉर्मेंस ग्रांट के कार्यों की जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने की समीक्षा बैठक। कार्यों को शीघ्र पूरा करने के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। कोतवाली थाने पर सीओ विमल कुमार सिंह की अध्यक्षता में संपूर्ण थाना समाधान दिवस का किया गया आयोजन। कहा, अधिकतर मामले मकान के बंटवारे, पैसों के लेन देन से आए संबंधित मामलों के निस्तारण के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। कैंट पुलिस ने एक शातिर अभियुक्त को किया गिरफ्तार। पास से एक देसी तमंचा, एक जिंदा कारतूस किया बरामद, भेजा जेल। पशुपालन विभाग के अधिकारियों के साथ सीडीओ इंद्रजीत सिंह ने की समीक्षा बैठक। पशुओं के लिए बन रहे गौशाला कार्यों को बरसात से पहले पूरा करने के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश।
और 31 मई को विश्व तंबाकू दिवस पर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की डायरेक्टर सुरेखा किशोर ने लोगों से धूम्रपान नहीं करने की अपील। कहा, तंबाकू के सेवन से मुंह के कैंसर जैसी बीमारियों के होने का रहता है खतरा। पेगस निशान गोरखपुर का एकमात्र निशान डस्टन का एक्सक्लूसिव शोरूम और वर्कशॉप। जी हाँ, सही सुना आपने। जिन गाड़ियों के खरीदने के लिए या सर्विसिंग के लिए आपको गोरखपुर से बाहर जाना पड़ता था, अब पेगस निशान लाए हैं ये सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे। पेगस निशान सेल्स सर्विसेज एंड स्पेयर्स, भारत पेट्रोलियम के अपोजिट, नौसर गोरखपुर। हमारी तरफ से विशेष ऑफर, निशान डस्टन गाड़ी की खरीद पर फ्री इंश्योरेंस, कंडीशंस अप्लाई। रॉयल लोगों की रॉयल पसंद रेड रॉयल चाय। भटको मंगलम टावर गोलघर के यहाँ कपड़े खरीदे भी, सिलवाए भी और ड्राईक्लीन भी करवाएं। दो की ड्राईक्लीन पर एक कपड़ा मुफ्त। फ्री होम डिलीवरी और पिकअप के लिए कॉल करें 9044663300। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रदेश के डायल 112 व ट्रैफिक के एडीजी अशोक कुमार सिंह ने आईटीएमएस कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया, जिसके संबंध में प्रदेश के डायल 112 के एडीजी अशोक कुमार सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर सड़क सुरक्षा का अभियान पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है, जिसको देखते हुए जिले के डायल 112 के कंट्रोल रूम व आईटीएमएस कार्यालय का निरीक्षण किया गया है, जिसमें ट्रैफिक के सुचारू रूप से संचालित करने के लिए जिले में बहुत अच्छा कार्य हुआ है, लेकिन कुछ लोग प्रतिदिन ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, जिसको देखते हुए एसपी ट्रैफिक को कार्यवाही करने के लिए निर्देश दिया गया है। इस अवसर पर डीआईजी जे रविंद्र गौड़, एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा, एसपी ट्रैफिक डॉक्टर एमपी सिंह सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रदेश के डायल 112 व ट्रैफिक के एडीजी अशोक कुमार सिंह ने कहा, हो गया।
आईटीएम से अलग से कर दिया गया है। कौन ब्रीफ करेगा? ग्रीन सिग्नल हो चुका है सर, आप लोग आगे बढ़े। और दो जगह से स्पीड ओवर स्पीड सर, आपका रामगढ़ ताल वाला रोड एवरेज सर मॉर्निंग में सर रहता है जी सर, मैं आपको दिखा सकता हूँ। चलान किया जाए रामगढ़ ताल का रोड है और बाकी जगह सर हम लोग का एन पी आर है जो की नंबर प्लेट रीडर नंबर प्लेट तो मालूम होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार सड़क सुरक्षा का अभियान चलाया जा रहा है और मैं एडीजी ट्रैफिक और रोड सेफ्टी हूं और साथ में 112, तो इन दोनों जगहों पे हमने विजिट किया और गोरखपुर में जो आईटीएमएस कंट्रोल सेंटर है उसको देखा और उसमें काफ़ी सारे अच्छे काम हुए हैं जिसमें प्रतिदिन जो कैमरे लगे हैं जो ट्रैफिक रूल्स वायलेशन डिटेक्शन करते हैं लगभग अभी जो बताया गया 1000 करीब डेली ट्रैफिक रूल्स वायलेशन डिटेक्शन होता है, तो हमने एसएसपी साहब और एसपी ट्रैफिक साहब को पता है कि जो भी ये वायलेशंस हैं इन पे चालान किए जाएं। जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने परफॉर्मेंस ग्रांट योजना के संबंध में विकास भवन के सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने परफॉर्मेंस ग्रांट के कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि जनपद में जो गांव चयनित हुए हैं उनके कार्यों को जल्द पूरा किया जाए, इसके अलावा कार्य करने में कोई कठिनाई आती है तो ग्राम प्रधान व सचिव की सहायता लें, अगर कोई कार्य करने में लापरवाही बरतता है तो तत्काल इसकी सूचना दें, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई किया जाएगा। उन्होंने कहा आगे बहुत से काम हैं जो कि अधूरे हैं, उसको पूरा करना है। 6 गांव में जल्द ही निरीक्षण कर कार्यों का जायजा लिया जाएगा। इस अवसर पर सीडीओ इंद्रजीत सिंह, डीपीआरओ हिमांशु शेखर ठाकुर सहित अन्य लोग मौजूद रहे। अभी तो हर हफ्ते मीटिंग करनी पड़ेगी और नोडल ऑफिसर को काम देना पड़ेगा। और ये तुम्हारा सॉलिड वेस्ट में क्या गाड़ियों का टेंडर नहीं हो रहा है? नहीं, बीजी वाले में बीजी वाले में करना है ना, ये काम करने में क्या तालाब वाले ये काम तो ये काम तो पहले ही हुआ कि सीधे चला के दो महीने अभी सेक्रेटरी की भी तनाव की है। मैन पावर डिप्लॉयमेंट ठीक है ना अभी? हाँ सर, सेक्रेटरी है, प्रधान है, प्रधान जान उसमें जो भी कवर मेरे
सीओ कोतवाली विमल कुमार सिंह की अध्यक्षता में संपूर्ण थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसके संबंध में एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह ने बताया कि जनपद के सभी थानों पर हर माह के दूसरे व चौथे शनिवार को थाना समाधान दिवस का आयोजन किया जाता है, जिसमें कोतवाली थाने पर अधिकतर मामले कोर्ट में लंबित मामले, मकान के बंटवारे का मामला, जमीन संबंधित मामला, आपराधिक धोखाधड़ी से संबंधित, पैसों के लेन देन से संबंधित मामले आए, जिसके निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारी को निर्देश दिया गया है। इस अवसर पर सीओ कोतवाली विमल कुमार सिंह, कोतवाली थाना प्रभारी कल्याण सिंह सागर सहित फरियादी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह ने कहा, कोविड खत्म हो गया तो मन में होता नहीं किसी चीज़ के लालच आ जाता है कि भाई आप कुछ सालों के लोग लेंगे। हाँ तो वही अब तब अब तो हम थोड़ा सा मतलब टाइट कर रहा था नहीं गलत हो जाएगा अगर सर वो लेने की बात नहीं है वो ले लेंगे तो चीज़ें और गलत हो जाएंगे। हाँ एक दो बार देगा फिर नहीं देगा कैसे नहीं देगा। अरे सर वो सब है उनका अभी एक बार पाँच साल और दो साल तक बच्चे लेकर सर व्यापार अच्छा रहेगा लेन देन सही रहेगा संबंध अच्छा रहेगा हम भी किसी का पैसा मार के बैठ जाएंगे अगर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। हाँ हम तो जाएंगे प्रत्येक माह के दूसरे और चतुर्थ शनिवार को थाना समाधान दिवस का आयोजन होता है शासन के निर्देशानुसार। आज मैं थाने पर थाना समाधान दिवस में उपस्थित था, जहां पर SHO कैंट और राजस्व विभाग की टीम उपस्थित थी और जमीन संबंधी विवाद कुछ आए थे जिनको मौके पर निस्तारित किया गया। एक प्रकरण ऐसा भी था जिनमें कोर्ट के माध्यम से निस्तारण हो सकता है, तो उन आवेदक को समझाया गया कि आप इसके कोर्ट की शरण में जाकर अपना निस्तारण कराएं और काफी अच्छा रहा समाधान दिवस। कैंट पुलिस ने एक शातिर अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में कैंट थाना प्रभारी ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त को हीरापुर कॉलोनी रेलवे चौकी से गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान मेराज अहमद पुत्र शेख अबुसाद निवासी अलाउद्दीन पट्टी थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ के रूप में हुई है, जिसके पास से एक देशी तमंचा एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। कैंट थाना प्रभारी ने बताया कि अभियुक्त के ऊपर थाने में मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में कैंट थाना प्रभारी शशिभूषण राय, रेलवे चौकी प्रभारी अरुण कुमार सिंह, हेड कांस्टेबल धीरज सिंह, अमित सिंह शामिल रहे। आइए सर। कौन सा CTO इंद्रजीत सिंह की अध्यक्षता में पशुपालन विभाग की बैठक विकास भवन के सभागार में सकुशल संपन्न हुई। इस दौरान CTO ने पशुपालन विभाग के कार्यों पर चर्चा करते हुए कहा कि जिला प्रशासन के द्वारा निर्देश दिया गया है कि बरसात के पहले पशुओं के लिए भूसा दान करवाया जाए, जिसमें लोग अपनी स्वेच्छा से भूसा दान भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा अभी तक कुल 1600 क्विंटल भूसा इकट्ठा हुआ है, जिसको विभिन्न लोगों ने दान किया है, जिसके लिए पशुपालन विभाग को बधाई देता हूं। उन्होंने कहा कुसमी, पिपराई, झंघा, पीपीगंज, बांसगांव, बढ़लगंज में भूसा कम दान हुआ है, इसलिए पशुपालन विभाग के डॉक्टर लोगों से जाकर भूसा दान करने की अपील करें। उन्होंने पशुओं के हर ब्लॉक में बनने वाले गौशाला स्थल पर बात करते हुए कहा कि गौशाला का कार्य जल्दी पूरा किया जाए, नहीं तो आपके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। आप
आप भूसे में कन्वर्ट करो, कितने क्विंटल भूसा होगा? 751 हो जाएगा, तो मतलब 1500 से ऊपर लेगा, 1600 से ऊपर लेगा, 1600 क्विंटल भूसा दान हो गया वहाँ, ये हो सकता है। ठीक है, तो देखिए सारे डॉक्टर्स जो आज जिन्होंने ये एक हफ्ते में ये अचीव किया है, मतलब आप सब लोग इसके लिए मेरी तरफ से हार्दिक बधाई है आपको। ये रिमार्केबल काम हुआ है, शायद आप लोगों ने इससे पहले एक बार कभी किया होगा, लेकिन मेरे 2 साल के यहाँ टेन्योर में ये फर्स्ट टाइम आप लोगों द्वारा किया गया है, और मैं आपको बधाई देता हूँ। 840 क्विंटल जो है भूसा आप लोगों ने फिजिकली इकट्ठा किया है, और 6,11,000 रुपये जो है आप लोगों ने दान भी दिए, तो इसका भी जो है तकरीबन 800 क्विंटल के करीब ही भूसा बनता है, तो 1600 क्विंटल भूसा आप लोगों ने अभी तक जमा कर दिया है। तो ये कंग्रेचुलेशन टू ऑल, और मैं आपका थैंक्स कहूँगा कि आपकी मेहनत करने के लिए। लेकिन इसमें भी कुछ जो अभी और एफर्ट लगाने बाकी है, जैसे देखिए कन्या में बहुत कम दान मिला है, कुछ भी पिपराइज जगह इसमें जो है नाम मात्र का है, थाउजेंड्स में है। और इसी तरह अगर आप देखोगे पीपीगंज में बहुत कम है, जबकि यहाँ सबसे हाईएस्ट एक्सपेक्टेड है, भूसा भी कम है और दान भी कम है। और इसी तरह से मैं देख रहा हूँ कि कोठा में भी दान भी कम है, भूसा भी कम है, और ऐसे ही बांस गांव में ज्यादा होना चाहिए, वहाँ भूसा ज्यादा मिला, लेकिन हमें और भूसा चाहिए। बरलगंज की बात करो, बरलगंज में क्यों नहीं कर रहे, मुक्ति धाम में जाइए, बात करिए सबसे, इसको बढ़ाइए इसको। बरबनिया में भी दोनों चीजें बहुत कम है, बरबनिया में भी। फिर शनिवार को जब हम मिले इस फिगर को सब लोग डबल कर लेंगे, और अपने जो एफर्ट्स है जारी रखेंगे। जो 15 जून तक हमें टारगेट दिया गया है, तब तक हमें जो पूरा टारगेट अचीव करना है। ये जो दान का है ये भी सारा गौशाला में लगेगा, आपकी गौशाला स्ट्रेंथन होगी, आप अच्छी सेवा गौ सेवा कर पाएंगे, ये क्लियर हो जाए कि ये एफर्ट कंटिन्यू है। सेकेंड जो बिंदु था आज की समीक्षा का, इसमें प्रोग्रेस दिखी है, लेकिन अभी भी ये प्रोग्रेस कंपेरेटिव टू अदर जिले से या किसी और जिलों से कंपेयर करोगे तो हम लोग पीछे हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट सबसे रहेगी कि इसमें आप लगातार एफर्ट करिए, और अपने वीडियो से बात बैठिए, प्रधान जी लोगों के साथ मीटिंग करिए, बीडीसी मेंबर्स को कॉल करिए, डेटाबेस ले लीजिए, जहाँ डेटाबेस नहीं है हमसे ले लीजिए, डीपीआर साहब से ले लीजिए, हर बंदे को रिक्वेस्ट करिए, आपका एक बंदा या आप खुद स्वयं कॉल करके संपर्क बना के रिक्वेस्ट करते रहेंगे, ये क्लियर हो जाए सबको। अब जहाँ जहाँ गौशाला बननी थी, गढ़ा में गौशाला बननी थी, क्या हुआ गढ़ा का, क्या प्रोग्रेस है बताइए सर? वहाँ पे अभी डीपीआर बन रहा है, बन के संभाल पा जाए क्या डीपीआर बना है, क्या प्रॉब्लम आ रही है उसमें सर? वो जो इंजीनियर थे वहाँ पे, वो अभी वो नहीं किया था, बनाया नहीं, तो उसका एस्टिमेट नहीं, अगर वो नहीं बना रहे, लेट कर रहे हैं, तो आप मेरी बात कराइए, तो मेरे नहीं सर, कल बात हुई थी, कल वो बना के दे देंगे, हाँ उनको बता दीजिए, हम लोग शिफ्ट रहेंगे उसमें, कार्रवाई हो जाएगी। जो अगर एक दिन में बनना तो एक दिन में बनना है, 24 घंटे ही टाइम लाइन है, उससे ज़्यादा लेट नहीं कर सकते। नेक्स्ट, ये कैंपियर गौशाला बन गई सर, वो आज ही में विजय साहब से मिला था, शाम में आज उनके साथ बैठक की है, तो वो आपको डिलीवरी कर देंगे, कितना भी बता देंगे ना, ठीक है उसमें आप बता देंगे, ठीक है चलो अच्छा सर। और एक पिपराइज में था, पिपराइज में वाले एक गौशाला हाँ होगी भी अगर आप गए थे तो अच्छा ठीक है, वीडियो से बात करो, वो करेंगे स्टार्ट कर दो काम कर, ठीक है प्लेयर वाला जाना है और इससे पैसा थोड़ा है क्यों सर? मैंने कहा था प्रपोजल चल रहा है, अब उसमें सब कोई बॉन्ड दीवार का भी पैसा दे रहे हैं, काठी का है क्या बॉन्ड दीवार की फोटोज है कनिका का, अलग से लेके आनी फोटोज सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी बॉर्डर और बन गई ना काठी का, कहाँ है फोटोज में लाते हैं ना, मैं ठीक है
मैं हर गौशाला को रिव्यू आप ही के माध्यम से करूँगा ना, ओनरशिप लो ना, आपकी ओनरशिप होनी चाहिए कि सर पिछले एक हफ्ते में इतना काम हुआ, आप रिव्यू के लिए मेरे पास आ रहे हो, मेरी ड्यूटी है रिव्यू करना, रिव्यू में जब मैं कर रहा हूँ तो आप अपने डेटा के साथ अपनी फोकस के साथ आइए कि नहीं आए। 31 मई को विश्व तंबाकू दिवस के अवसर पर शनिवार को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के मीटिंग हॉल में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की डायरेक्टर सुरेखा किशोर ने प्रेस वार्ता के माध्यम से लोगों से धूम्रपान नहीं करने का अपील किया। उन्होंने बताया कि धूम्रपान की जद में पहले बुजुर्ग ही होते थे, लेकिन अब युवा पीढ़ी भी इसकी जद में आ चुकी है, जिससे सबसे बड़ी बीमारी कैंसर होने के खतरे बढ़ गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक वर्ष तंबाकू उत्पादन के लिए भारत में 60 करोड़ पेड़ काटे जाते हैं। भारत में लगभग 28 करोड़ तंबाकू के उपयोगकर्ता हैं और सबसे ज्यादा धुआं रहित तंबाकू उत्पादों जैसे खैनी, तंबाकू के साथ पान सुपारी ज्यादा अधिक मात्रा में उपयोग सबसे ज्यादा होता है। उन्होंने बताया कि युवा 10 साल की उम्र से पहले ही तंबाकू का सेवन शुरू कर देते हैं। तंबाकू को किसी तरह से समाप्त किया जाए ताकि इंसान को सेहतमंद रखा जा सके और साथ ही वातावरण को सुरक्षित रख सके। उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, खैनी का सेवन ना करें। वहीं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की ENT विभाग की डॉक्टर पंखुड़ी मित्तल ने बताया कि तंबाकू का सेवन करने से मुंह के अंदर कैंसर जैसी बीमारियों को होने का खतरा रहता है। उन्होंने बताया कि तंबाकू सेवन करने वाले में 10 साल के ऊपर के मरीज आते हैं। उन्होंने बताया कि OPD में लगभग 10-15% कैंसर के मरीज आते हैं और इसके अलावा तंबाकू चबाने के कारण गाल के अंदर सफ़ेद धब्बे पड़ जाते हैं। वैसे भी मरीज आते हैं जिनको पहले चेकअप करने से गंभीर कैंसर जैसी बीमारी होने से रोक सकते हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की ENT विभाग की डॉक्टर पंखुड़ी मित्तल एवं एम्स की डायरेक्टर सुरेखा किशोर ने कहा। उसमें ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं रहता है उसमें। जो टोबैको स्मोकिंग वाली है, अगर उसका प्रेफरेंस देखें, एज का रिडक्शन है। अगर यूथ में देखें, ये तो हमारे हो गए 15 साल के ऊपर वाले बच्चों में 15-5 में 38%। अब टोबैको यानी कि धुआं रहित तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं, तो तंबाकू का स्मोकिंग और जो सेकेंड हैंड स्मोकिंग होती है वो लगभग सालाना एक साल में 12 लाख मौतों के लिए जिम्मेदार होता है। और जो धुआं रहित तंबाकू है, जो स्मोकलेस तंबाकू है, वो लगभग 2.5 लाख लोगों का मौत का जिम्मेदार है। जो धुआं रहित तंबाकू होता है वो लगभग 90% मुख के कैंसर के कारण होता है। धुआं रहित जो हम तंबाकू चबाते हैं, गुटखा के लिए, और लगभग सभी कैंसर का 27-30% तंबाकू से जुड़ा हुआ। और इसकी हमारे समाज पर बहुत प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कॉस्ट होती है। और एक 2017 में आंकड़ा उसके अकॉर्डिंग जो तंबाकू से होने वाली क्षति थी उसका बोझ लगभग 1700 करोड़ रुपए जांचा गया था। जैसे कि सर ने बताया कि उत्तर प्रदेश एक क्लास 3 स्टेट है जिसमें तंबाकू यूजेज का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ये एक 2020 का एक शोध है जिसमें पाया गया कि सबसे ज़्यादा कैंसर तंबाकू से जुड़े हुए कैंसर उत्तर प्रदेश में पाए गए। केमिकल्स ऐसे रसायन होते हैं जो कैंसर कॉज करते हैं। तो ये केमिकल्स बेसिकली क्या होते हैं कि हमारे शरीर में जाते हैं, अपने हमारा जो DNA होता है उससे जाके कंबाइन होते हैं, उसको डैमेज करते हैं और उसके बाद जो सेल एक रिपेयर करने की जो क्षमता होती है बॉडी की, जैसे चोट लगती है तो बॉडी रिपेयर करती है अपने आप, तो उस जो क्षमता होती है उसको वो डैमेज करते हैं। उससे क्या होता है कि सेल्स की अनगिनत अनियंत्रित एक बढ़ोतरी होती है और जो कैंसर का रूप ले लेते हैं। अभी स्मोकिंग के फॉर्म में हो या स्मोकलेस टोबैको जिसको धुआं रहित टोबैको बोलते हैं उसके फॉर्म में हो, या सेकेंड हैंड स्मोकिंग हो जैसे कि मैम ने बताया, या फिर ई सिगरेट जो वेस्ट में ज़्यादा होता है, इंडिया में अभी उतना प्रचलन नहीं है, उसके फॉर्म में हो। तो अक्सर लोग मानते हैं, आप लोग भी सोचते होंगे शायद तंबाकू से सबसे ज़्यादा मुख के या फेफड़े के कैंसर होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तंबाकू हमारे शरीर में कहीं का भी कैंसर करने में सक्षम रहता है, चाहे वो आंख का हो, खाने की नली इसोफेगस का हो, या ब्लड का कैंसर हो, लिवर, किडनी,
ब्लैडर, हर तरीके का कैंसर तंबाकू से जुड़ा हो सकता है। मैं चाहूँगी जैसे मैंने अभी उसके बारे में बताया कि कैसे कैंसर होता है, तो अक्सर लोग ये सोचते हैं कि अब एक बार हमने शुरू कर दिया तो छोड़ने से क्या फायदा, अब कर सकते हैं। जैसे कि मुंह के अंदर ल्यूकोप्लेकिया, जिसको सफ़ेद या लाल धब्बे बोलते हैं, या ओरल सेमीफोसल फाइब्रोसिस, जिसमें मुंह के अंदर सफ़ेद हैं, ये तस्वीरें हमारे जो ओपीडी में आए हुए पेशेंट्स हैं उन्हीं की हैं। बस यही बताना चाहते हैं कि ये सब बीमारी से बचने के लिए तंबाकू का सेवन, स्पेशली मुंह के कैंसर के लिए, बहुत कम करना बहुत हो जाती है, और जो ऑप्शंस होते हैं इलाज के वो भी काफ़ी कम हो जाते हैं। तो इसलिए बेहतर ये रहता है कि एक परिवार में एक बुरी आदत की वजह से पूरा परिवार। मैं डॉक्टर पंखुड़ी मित्तल ENT विभाग में हूँ। हम लोग वर्ल्ड टोबैको डे मना रहे हैं 31 तारीख को, जिसके लिए हम लोग आज तंबाकू के बारे में बात कर रहे हैं, तंबाकू से होने वाले कैंसर के बारे में बात कर रहे हैं। तो यूपी में तो तंबाकू का प्रयोग बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से उससे जुड़े हुए कैंसर भी बढ़ते जा रहे हैं। तो जिसमें कि देखा गया है कि जो मुख के कैंसर हैं, फेफड़े के कैंसर हैं, और जो बाकी शरीर में होने वाले कैंसर हैं, उनका प्रचलन काफ़ी बढ़ गया है। लगभग 90% मुख के कैंसर तंबाकू से जुड़े हुए होते हैं। तो अगर हम तंबाकू का सेवन कम कर देते हैं, बंद कर देते हैं, तो 90% इन कैंसर को एकदम ही बंद किया, रोका जा सकता है। तो इसलिए तंबाकू का सेवन करना बंद करना पड़ेगा। ओपीडी में हमारे पास लगभग 10-15% मरीज कैंसर के होते हैं, और उसके अलावा प्री कैंसरस लीजन्स के मरीज होते हैं, जिनको कि ल्यूकोप्लेकिया, जैसे कि गाल के अंदर जो सफ़ेद धब्बा होता है, जो कैंसर तंबाकू की वजह से होता है, तो ऐसे मरीज़ भी आ रहे हैं जिनको हम लोग अगर पहले से ही पकड़ लें तो कैंसर, गंभीर कैंसर बनने से रोक सकते हैं। आजकल लोगों में जागरूकता काफ़ी बढ़ रही है, जिसके वजह से जो लोग तंबाकू का सेवन कर रहे हैं तो वो लोग भी आ रहे हैं ये जानने के लिए कि हमारे मुंह में या फेफड़ों में कैंसर तो नहीं है। कि क्या उम्र होती है जो लोग जाते हैं? बहुत मरीज़ जो होते हैं वो यंग होते हैं, काफ़ी मरीज़ 20 से 30 साल की उम्र तक होते हैं, जिन्होंने 15-16 साल की उम्र में कैंसर का सेवन, तंबाकू का सेवन शुरू किया होता है। तो लगभग ये देखा गया है कि 10 से 15 साल की के सेवन के बाद अक्सर देखा गया है कि कैंसर बनना शुरू हो जाता है, और 4 या 5 साल के बाद ही जो प्री कैंसरस लीजन्स हैं वो आना शुरू हो जाते हैं। तो अगर हम इतने लंबे समय तक सेवन कर रहे हैं, अब वो आदमी जब बड़ा होगा 40-50 साल की एज तक पहुंचेगा, तो जो कैंसर बनने की संभावना होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इस बार जो इस साल का जो थीम है, जैसे आप सभी को जानकारी देना चाहेंगे कि हर वर्ष जो है 31 मई को धूम्रपान को प्रिवेंट करने का एक दिवस मनाया जाता है, और नो टोबैको डे बोलते हैं इसको। और इस दिन को हम लोग एक अवेयरनेस के तौर पे मानते हैं कि हम समाज में जितना हो सके उतनी अवेयरनेस क्रिएट करें। इस साल का जो थीम है वो है नो टोबैको, और टोबैको को प्रिवेंट करना है, साथ ही साथ टू प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन की बात जो हम कह रहे हैं वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो तंबाकू की इंडस्ट्री है पूरे देश में, ये कम से कम 60 करोड़ पेड़ों को काटा जाता है, जिसके जो कि हमारे तंबाकू के उत्पादन में महत्वपूर्ण सिद्ध होते हैं। तो ये 60 करोड़ पेड़ों का हर साल कटना कहीं ना कहीं एक एनवायरनमेंट पे दुष्प्रभाव डालता है। तो इस बार का जो थीम है ये बहुत महत्वपूर्ण है, और इसीलिए हम ये चाहते हैं कि टोबैको को हमें किसी तरह से प्रिवेंट करना है और कंट्रोल करना है टोबैको यूसेज, ताकि हम इंसान को भी सेहतमंद रख सकें और बीमारियां प्रिवेंट कर सकें, और साथ ही हम अपने एनवायरनमेंट को भी, वातावरण को भी सुरक्षित रख सकें। हाँ, ये हमारा एक अभी प्रोजेक्ट हम लोगों ने शुरू करने वाले हैं, शोध कार्य, जिसपे हम यहाँ का जो पानी का स्तर है, जिसमें आर्सेनिक का स्तर या जो टॉक्सिक केमिकल्स हैं उनका स्तर की जांच करेंगे, और साथ ही साथ जहाँ पर ये पानी के स्तर में आर्सेनिक के या टॉक्सिक केमिकल्स के जो लेवल्स हैं वो थोड़े से बढ़े हुए हैं, नॉर्मल से बढ़े हुए हैं अगर, तो जो लोग उस पानी को यूज़ कर रहे हैं या पी रहे हैं, उन लोगों के रक्त के नमूने लेंगे और उसमें भी जांच करेंगे कि ये उनके रक्त में कितना लेवल है आर्सेनिक का, टॉक्सिक केमिकल्स का, और उनकी सेहत पे उसका क्या क्या दुष्प्रभाव हो रहा है।
तो इसके ऊपर पहले शोध कार्य करेंगे और फिर उसके बाद उसको कैसे हम लोग आगे प्रिवेंट कर सकें और क्या क्या हम लोग मेजर्स ले सकें, कंट्रोल कर सकें उसको, तो उसके बारे में फिर हम लोग उसको दूसरा शोध का कार्य रहेगा ये जी। इसके हर जो एक एक टेस्ट है वो काफ़ी महंगे हैं और हम आशा करते हैं कि हमें सरकार से इसकी मदद ज़रूर मिलेगी, क्योंकि ये इसी हमारी स्टेट का ही कार्य है और हमारे समाज के अच्छे के लिए और लोगों की सेहत के लिए ही हम ये कार्य कर रहे हैं, ताकि कहीं ना कहीं हम आर्सेनिक के से होने वाले दुष्प्रभाव को कम करें और कैसे उनको सेहतमंद बनाएं। तो हम आशा कर रहे हैं कि हमें सरकार से भी इस बात में मदद मिलेगी। हमारे प्रोजेक्ट्स हैं जिसके हमें उसमें भी फंड्स हैं, लेकिन सरकार से भी हम मदद की अपेक्षा रखते हैं इसके लिए। जनता से हम यही निवेदन करना चाहते हैं कि जैसे तंबाकू का जो सेवन है, चाहे वो बीड़ी सिगरेट के रूप में है या कि खाने के रूप में है, चबाने के रूप में, किसी भी रूप में तंबाकू का सेवन बिल्कुल हमारी जीवन शैली में नहीं होना चाहिए। और आजकल जैसा देखा गया है कि बच्चों में इसकी जो तंबाकू सेवन करने की जो आदत है वो बढ़ रही है, उसको कहीं ना कहीं हमें रोकने की ज़रूरत है। इसलिए हम ये चाहेंगे कि जितने भी पेरेंट्स हैं, बड़े बुज़ुर्ग हैं, वो अपने बच्चों को इस चीज़ के लिए समझाएँ और जहाँ तक हो सके इसको रोकने की कोशिश करें, क्योंकि ये काम हर फैमिली अपने घर से शुरू कर सकती है और जितने बड़े लोग जो उसे यूज़ कर रहे हैं उसको वो कहीं ना कहीं अपने को कंट्रोल करें। हमारे यहाँ डी एडिक्शन क्लिनिक है एक, या तो अपने आप अगर नहीं कर सकते तो प्लीज़ किसी काउंसलर की मदद लें, किसी की हेल्प लें, ताकि आप इसकी रोकथाम कर सकें और अपने को स्वस्थ रख सकें। आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सीएम योगी के हाथों गोरखपुर को मिलेगी एक और सौगात। उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केंद्र भवन का रविवार को मुख्यमंत्री करेंगे शिलान्यास। गीता प्रेस जाकर राष्ट्रपति के आगमन से जुड़ी तैयारियों का भी लेंगे जायजा। स्वास्थ्य विभाग व जिला प्रशासन की संयुक्त टीम ने 25 अल्ट्रासाउंड व प्राइवेट हॉस्पिटलों पर मारा छापा। उप जिला सूचना व स्वास्थ्य शिक्षा एवं सूचना अधिकारी सुनीता पटेल ने कहा, छापे में बहुत से हॉस्पिटलों में पाई गई है अनियमितता, रिपोर्ट जिलाधिकारी को किया जा रहा है प्रेषित। जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा, रिपोर्ट के आधार पर हॉस्पिटलों के खिलाफ की जाएगी कड़ी कार्यवाही। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को गिफ्ट करेंगे टेराकोटा के श्रीराम और कबीर। ओडीओपी में शामिल टेराकोटा की ओर मजबूत होगी ब्रांडिंग। सीएम योगी की पहल पर तीसरी बार गोरखपुर आ रहे हैं राष्ट्रपति। 4 जून को गीता प्रेस और 5 जून को मगहर में है महामहिम राष्ट्रपति का कार्यक्रम। प्रदेश के डायल 112 और ट्रैफिक के एडीजी अशोक कुमार सिंह ने सड़क सुरक्षा के संबंध में जिले के अधिकारियों के साथ किया बैठक। सड़क सुरक्षा की जागरूकता के लिए जागरूकता अभियान चलाने के दिए निर्देश। टप्पेबाजी व धोखाधड़ी करने वाले 6 अभियुक्तों को कैंपियरगंज पुलिस ने 24 घंटे के अंदर किया गिरफ्तार। लूट का 5,77,200 रुपए, 241 नकली सोने का सिक्का, घटना में प्रयुक्त 3 मोटरसाइकिल किया बरामद। एसएसपी ने किया खुलासा। विद्युत विभाग के कलेक्शन एजेंसी के अधिकारियों के साथ जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने की बैठक। शत प्रतिशत बिलिंग करने के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। जिले के डायल 112 के कंट्रोल रूम व आईटीएमएस कंट्रोल रूम का प्रदेश के डायल 112 व ट्रैफिक के एडीजी अशोक कुमार सिंह ने किया निरीक्षण। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए ट्रैफिक विभाग को दिए निर्देश। परफॉर्मेंस ग्रांट के कार्यों की जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने की समीक्षा बैठक। कार्यों को शीघ्र पूरा करने के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश।
कोतवाली थाने पर सीओ विमल कुमार सिंह की अध्यक्षता में संपूर्ण थाना समाधान दिवस का किया गया आयोजन। कहा, अधिकतर मामले मकान के बंटवारे, पैसों के लेन देन से आए संबंधित मामलों के निस्तारण के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। कैंट पुलिस ने एक शातिर अभियुक्त को किया गिरफ्तार। पास से एक देसी तमंचा, एक जिंदा कारतूस किया बरामद, भेजा जेल। पशुपालन विभाग के अधिकारियों के साथ सीडीओ इंद्रजीत सिंह ने की समीक्षा बैठक। पशुओं के लिए बन रहे गौशाला कार्यों को बरसात से पहले पूरा करने के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। और 31 मई को विश्व तंबाकू दिवस पर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की डायरेक्टर सुरेखा किशोर ने लोगों से धूम्रपान नहीं करने की अपील। कहा, तंबाकू के सेवन से मुंह के कैंसर जैसी बीमारियों के होने का रहता है खतरा। अब मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।